यूनियन काउंसिल नंबर 30 चाह सुल्तान, रावलपिंडी से कौमी असेंबली के हल्के NA 56 और सूबाई असेंबली के हल्के PP 13 की अहम यूनियन काउंसिल है। बड़े तजारती मराकज और गुंजान आबाद इलाकों पर मुश्तमिल इस यूनियन काउंसिल के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अवाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल समेत अहम मनसूबे शुरू किए, जो रावलपिंडी की अवाम से उनके लगाव का सबूत भी है। हालात तो ठीक हैं वैसे, और ख़राब भी हैं और ठीक भी है, दोनों तरफ दोनों साइडें हैं ना। कई जगह से अब जैसे मेट्रो बन गई है, इससे हमें फ़ायदा है, ठीक है। अब जैसे नीचे से तो जगह सारी खाली है ना, जैसे पहले कहते थे कि जी मेट्रो जब बनेगी तो नीचे सारी जगह फुल हो जाएगी और जगह नहीं होगी जाने की, तो अब तो ठीक है वहाँ से। और बकाया सफाई का ठीक है इंतज़ाम, बकाया बनस्बत दूसरे शहरों से हमारा पिंडी इस्लामाबाद ठीक है, साफ है। ये हमारा चेयरमैन है ना मुमताज़, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारे काम करवा रहा है, सफाई वगैरह सारे अच्छा काम यही करवा रहे हैं। पानी की भी सहूलत मौजूद है, अभी फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, एक और इधर लगा रहा है मोहल्ले में लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है हमारे लिए। हाँ मेट्रो भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक, गरीब आवाम के लिए ठीक है ना। पीने का साफ पानी और सुई गैस की बिला तातुल फरामी रावलपिंडी के आवाम के मसाइल में सर फहरिस्त हैं। अवाम का कहना है कि पंजाब हकूमत की कारकर्दगी तो बेहतर है, लेकिन मरकजी हकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम इदारों की कारकर्दगी पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है, या उन इदारों का कंट्रोल भी सूबाई हकूमत के सबूत किया जाना चाहिए। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी, ज़ाहिर है ये अवाम के लिए सारी सहूलतें हैं, मेट्रो बस सर्विस है, तो उसमें आम पब्लिक नहीं बैठना है ना, किसी बड़ी पजारो ग्रुप वाले ने तो नहीं बैठना, ज़ाहिर है आम पर्सन ही उसमें बैठेगा, तो ये बेसिकली अवाम के लिए है और आवाम को बहुत फ़ायदा है। अब ये चंद दिनों में मेट्रो बंद हुई है हड़तालों की वजह से या धरने की वजह से, उन लोगों को पूछें जो लोग रोज़ाना सफ़र करने वाले हैं, वो लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम से वो लोग दो चार हुए हैं। बाकी जहाँ तक अस्पतालों का तल्लक है तो अस्पताल भी आवाम के लिए हैं और गरीब लोग ही जाते हैं, अमीर लोग तो नहीं जाते, जो प्राइवेट इलाज अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कभी नहीं जाएगा। इसी तरह जो टैक्सी में बैठ के सफ़र करने वाला बंदा है वो तो मेट्रो में भी नहीं जाएगा, लेकिन गरीब बंदे ही मेट्रो में सफ़र करते हैं, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद हैं ये चीज़ें, ये आवाम के लिए हैं। जी सर, ये मंसूबे आप सामने देख लें, मेट्रो बस सफ़र जो है कितना आसान हो गया, हम 20 रुपये में इतनी जगह पर हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर हम 20 रुपये में पार्क सेक्रेटेट तक जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ज़रिया बन गया हमारे लिए, ठीक है। और हमें मानना पड़ेगा कि नून लीग ने इस जगह पर काम किया है, ठीक है। और जिधर तक बात है कि जी ये जो लोग इस इलाके में जिस जगह पे हुकूमत है, यहाँ पर PTI की हुकूमत है NA 56 में, ठीक है, NA 56 में PTI की हुकूमत है, ठीक है। आज तक इमरान खान ने यहाँ पर कोई चक्कर वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, जिस वजह से सख्त दिल दुखा हुआ है हमारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन यूनियन काउंसिल नंबर 30 मुमताज़ खान का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देना ज़रूरी है, तभी अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। ताहम यूनियन काउंसिल के दस्तयाब फंड से बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दी है। नहीं, हमारे पास तो कोई इख्तियारात नहीं, असल मकसद अवाम का जो है ना बल्दियात से ही जुड़ा हुआ है। बल्दियाती नुमाइंदा ही असल अवाम की नुमाइंदगी करता है, उसको ही पता होता है किस गली में किस महल में कौन सा प्रॉब्लम है। इन्होंने तो जो इलेक्शन कराए हैं अदालती हुक्म पे कराए हैं, इनका तो अपना कोई माइंड ही नहीं था, माइंड सेट ही नहीं था कि ये इलेक्शन कराएं, ये इन्होंने अदालती हुक्म पर करा तो दिए हैं, लेकिन अख्तियारात मोरों से अलावा और कोई भी ऐसा अख्तियार नहीं है कि जिस पर हम अमल दरामद कर सकें। रावलपिंडी के अवाम खादिम आला पंजाब को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि मुकामी क़यादत को भी वज़ीर आला पंजाब के नक्शो कदम पर चलते हुए अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए। कैमरामैन बहरोज सुहेल और साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ फातमा बतूल, TNS रावलपिंडी।